जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और अभी हम लोग हैं अयोध्या में और अभी नहाने के लिए आए हैं। देख सकते हैं सरयू नदी है, कितना यात्रियों की भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालुओं के पूरा नहाते हुए देख सकते हैं। पूरा दिखा दे मेरे भाई, एक बार दिखा दे। और इधर गोरिया से आए हुए हैं मेरे भाई लोग, आज ही पहुंचे, बड़े भैया हैं ये, और उधर दीदी और इधर विनय भैया भी हैं, ये लोग आज ही पहुंचे हैं रात को। तो देख सकते हैं सभी नहाएंगे अभी सरयू नदी में, तो बने रहे ब्लॉग के साथ, अभी और अच्छा नज़ारा दिखाएंगे आपको। तो चलिए नहाते हैं, उसके बाद मिलते हैं, जय श्री राम। सो गाइस अभी हम लोग नहा चुके हैं सब भाई बहन लोग, और देख सकते हैं सरयू नदी कितना सुंदर है। और अगर अयोध्या आए हैं तो एक बार सरयू नदी में जरूर नहाएं और शुद्ध हो जाए हम दोनों भाई की तरह, सभी जन की तरह। तो बने रहे ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे मंदिर की तरफ। जब भी आप अयोध्या आए, अवध की नगरी आए, तो यहाँ पे अयोध्या के तट में है ना, जो नदी जो बह रही है सरयू नदी, वहाँ पे जरूर स्नान कर लें। और इससे आगे जो नया घाट है उधर वोटिंग भी की जाती है, वहाँ पे जाके वोटिंग भी कर लें और पूरा नज़ारा लें, पूरा अयोध्या का नज़ारा लें। पूरा मतलब ऐसे सजा हुआ है और ऐसे बना हुआ अयोध्या जैसे बाकी शहर नहीं बने हुए हैं, तो यहाँ का मजा लें। तो जय श्री राम गाइस। तो गाइस ये हैं वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ, और बहुत ही अच्छा लगा इनको मिल के। এই প্রার্থনা করার জন্য আমি অরবিন্দ মানে মেডাল দিয়ে সাইকেলে করে রওনা দিয়েছি আজ 10-11 দিন। তো আপনার নাম কি হয় বতা? আমার নাম তিরঙ্গপাল। তিরঙ্গপাল, মেবি বাঙালি হো, থ্যাংক ইউ, আপনার মিল কা আচ্ছা লাগা। हेलो मिस्टर के पांडे लोग, पार्क में एंजॉय करते हुए, पार्क में पार्क देख सकते हो, पार्क में एंजॉय करते हुए, ढीला टारते हुए, जॉन सिन्हा ने मारा था पर क्रिकेट स्टेडियम है लगा। क्रिकेट स्टेडियम। और इधर मेरा भाई आज ही आया है अयोध्या, और इधर पहुंचे कल रात को 12 बजे। फोटो ले चुके हैं राम मंदिर के लिए, और देख सकते हैं इधर भाई लोग सभी लोग अभी दर्शन के लिए जाएंगे, जैसे राम बोलते हुए। इधर चारों पांचों छयों सब जन जाएंगे गाइस अभी, तो बने रहे ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे नजारा राम मंदिर का। वहाँ मोबाइल तो अलाउ नहीं है, लेकिन आसपास का नज़ारा दिखाएंगे, तो बने रहे ब्लॉग में एंड तक। तो चलिए सो गाइस जय श्री राम सभी को। देख सकते हैं आज तारीख है 23 जनवरी और पूरी श्रद्धालुओं की भीड़ चारों तरफ लगी पड़ी है, देख सकते हैं कितना अच्छा है, क्योंकि आज देखने के लिए मिल रहा है राम मंदिर का, दर्शन के लिए आज खुला छोड़ दिया गया है मंदिर, तो चारों तरफ दर्शन के लिए या जो श्रद्धालु हैं भरे पड़े हैं, और हम लोग भी जा रहे हैं भाई लोग के साथ। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में एंड तक, और आपको दिखाएंगे पूरा राम मंदिर का नज़ारा, तो बने रहे ब्लॉग में। रास्ता का नज़ारा दिखा दीजिए भैया एक बार, तो देखिए रास्ता का नज़ारा कुछ इस तरीके का है गाइस, 25-30 हज़ार आदमी लोग रास्ता में चलने को मिलेंगे गाइस कुछ इस तरीके से चारों तरफ, और मस्त सजा हुआ है अयोध्या धाम। तो देखते रहिए ब्लॉग में एंड तक, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा तरीके से फूल माला बनाया हुआ है, इधर भैया जी हैं और मस्त स्वागत लिखा हुआ है, देख सकते हैं मस्त, यहाँ फोटो वोटो खिंचाने को मिलेगा, देख सकते हैं बहुत से लोग फोटो खिंचाने के लिए दिख रहे हैं। और इधर देखिए गाइस, देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है। सो गाइस बने रहे ब्लॉग में एंड तक, देख सकते हैं कितना क्राउड है रोड में, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ है,
सब राम मंदिर का दर्शन के लिए जा रहे हैं गाइस, क्योंकि ये बहुत बड़े राम भक्त हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा ऐसे देखने को मिलती रहेगी आपको। ब्लॉग में तक बने रहिए, आपको लगातार पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा से नज़ारा मस्त। सो गाइस, यहाँ भंडारा चल रहा है राम मंदिर निर्माण के अवसर पर भंडारा, और भाई लोग भंडारा में इस तरीके से खाते हुए दिखने को मिलेंगे आपको, और मस्त नज़ारा है गाइस। देखते रहे ब्लॉग में, सब साइड सजा हुआ है, और इधर देख सकते हैं जय श्री राम, और मस्त है गाइस। तो बने रहे ब्लॉग में एंड तक, और इधर सजा हुआ है देख सकते हैं मस्त, सभी जगह फूल माला लगा हुआ है गाइस। देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है, मस्त नज़ारा देखने को आपको मिलेंगे, बने रहे ब्लॉग में। और गाइस मस्त तरीके से सजा हुआ है राम की नगरी, देख सकते हैं सब साइड झालर लगा हुआ है, और ये छोटे छोटे दुकान लगे हुए हैं गलियों में, और पूरा खिलौना सिलौना पूरा अच्छी तरीके से लगा हुआ है। तो देख सकते हैं कितना गली मस्त सजा हुआ है गाइस झालर लगाते हुए, और इधर मंदिर है देख सकते हैं कितना अच्छा। गाइस अभी पहुंच चुके हैं कानगढ़ी में देख सकते हैं, और अभी भाई लोग से पूछते हैं कितना खुशी हो रहे हैं, क्योंकि ये 650 किलोमीटर की दूरी पैदल चल के आए हैं। तो भाई से पूछते हैं कितना खुशी हो रहा है भाई? बहुत ही खुशी हो रहा है, यहाँ आके बहुत ही खुशी आ रहा है, महसूस हो रहे है। देख सकते हैं भाई को बहुत खुशी हो रही है, बड़े भैया से पूछते हैं कितना खुशी हो रही है। अरे बहुत खुशी हो रहा है, वैसे भी हम पहली बार आए हैं अयोध्या, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है ना जी, जी, बाकी जगह से। बाकी बहुत मंदिर गए हैं, लेकिन पहली बार अयोध्या आए हैं, तो यहाँ आने के बाद में बहुत खुशी हो रहा है हमें। जी जी, आप बताइए कैसे लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग अयोध्या जैसे पावन धाम पे आए हैं, वो भी प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए, तो हमें बहुत खुशी हो रहा है। आपका नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है हीरालाल मंडल, झारखंड से, ग्राम रामपुर माधोपुर से। जी जी, कब आए हैं? हाँ हम आए हैं और फिर आएंगे जी, हाँ। जी। तो लेकिन राम मंदिर का दर्शन कर लिए? हाँ राम मंदिर का दर्शन कर लिए, हमको बहुत भाग्य मिला जी, जी। बहुत अच्छा हमको लगा जी, जी। बहुत सुंदर लगा जी, जी। बहुत हमको यहाँ पर अच्छा लगा, फिर वो हम आएंगे जी, जी। आपके तो कैसे, अकेले आए हैं या फैमिली लेकर? हम अकेले आए हैं, अपनी फैमिली लेकर के परिवार लेके आएंगे। तो गाइस देख सकते हैं कितने श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, पूरा नज़ारा दिखा दीजिए भाई एक बार, पीछे साइड बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं राम मंदिर का दर्शन के लिए। तो बने रहे ब्लॉग में एंड तक, आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे राम मंदिर का। तो देख सकते हैं कितना क्राउड है गाइस, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाएंगे पल पल का खबर देंगे आपको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से हम लोग दर्शन कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू गाइस कुछ इस तरीके से है, चारों तरफ का पूरे बहुत ज़्यादा हजारों लाखों आदमी आए हुए हैं गाइस, पूरा देख सकते हैं मस्त व्यू है, पूरा लोगों का भीड़ लगा है ऐसे एकदम। तो गाइस देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है चारों तरफ, आगे पीछे सब साइड बहुत ज़्यादा क्राउड है गाइस। देखते रहिए ब्लॉग में, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है गाइस, यहाँ चोरी हारी होने का बहुत ज़्यादा डर है। जो भी श्रद्धालु हैं मोबाइल को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रहें गाइस। देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। मूर्ति बनी हुई है, जय श्री राम, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में ना बहुत बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा, लेकिन सब कोई काम का नहीं है उत्तर प्रदेश के पुलिस कोई काम का। जय श्री राम गाइस। तो तुम्हारा भाई अभी पहुंच चुका है राम मंदिर के द्वार में, और देख सकते हैं यहाँ
मोबाइल रखने के लिए। एक मोबाइल का 50 रुपया है गाइस, उधर भी रखा हुआ है, वहाँ उधर भी है, 50 रुपया लेता है गाइस एक मोबाइल को रखने का। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी में राम मंदिर है, और अभी दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो बने रहे ब्लॉग में। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो बने रहे ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे, अगर अलाउ होगा तो छोटा मोटा फोटो शोटो दिखाएंगे आपको। तो चलिए, जय श्री राम। धनुष वगैरह, तो गाइस देख सकते हो उधर धनुष वगैरह लेके हुए जाते हुए, और वहाँ योगी बैठा है। देख सकते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ घसीटते हुए जा रहे हैं राम भक्त। जय श्री राम, 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 देख सकते हैं हेलीकॉप्टर। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 वसंत कर लिए, जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
गाइस देख सकते हैं भगवान का दर्शन करके कैसे लग रहा है आपको? एकदम झक्कास। जय श्री राम। भीड़ चेक करो गाइस, भीड़ चेक करो, ये है क्राउड। तुम कह रहे थे ना जो वही रास्ता हो रहा है मतलब भाई। जय श्री राम दोस्तों, अभी जस्ट हम लोग रामलला जी की दर्शन करके आए हैं अभी तुरंत, तो बहुत खुश हैं हम, धन्य हो गए हम दोनों दोस्त जो कि हम साइकिल यात्रा करके आए हैं 712 किलोमीटर की जर्नी, जो कि रायगढ़ से अयोध्या उत्तर प्रदेश आए हैं हम लोग। तो इतना खुश हैं गाइस, मेरे आंखों से आंसू निकल जा रहे थे, मुझे यहाँ से ना मतलब वापस जाने की भी मतलब मन ही नहीं लग रहा था। हम कल से दोबारा फिर से आएंगे और डेली यहाँ पे हम दर्शन करेंगे प्रभु श्री राम जी की, मन फिर भी नहीं भर रहा है, हम लोग यहाँ रहेंगे ही रहेंगे और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते ही रहेंगे। तो मेरा दोस्त कुछ कहना चाहता है कृपागर जी। जय श्री राम सभी को। तो गाइस प्रभु जी का दर्शन करके धन्य हो गए हम लोग, आप भी आइए एक बार दर्शन करिए, क्योंकि 500 वर्ष बाद प्रभु लल्ला राम लल्ला जी आए हैं अयोध्या में, तो एक बार जरूर आइए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और भैया 650 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आए हैं, इनसे भी पूछते हैं। मैं हम लोग भी 3-4 लोग थे और 650 किलोमीटर दूरी तय करके आए हैं यहाँ अयोध्या में, और हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ का माहौल देख के। अभी अभी तुरंत हम लोग दर्शन करके वापस हुए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ से जाने का मन नहीं करता गाइस, लेकिन क्या करें, अभी जब तक रहेंगे तब तक रोज हम लोग दर्शन करेंगे ऐसा हम लोग सोचते हैं, बाकी आगे प्रभु की इच्छा। जय श्री राम, राम।